अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कल गए थे बर्ड्स मार्केट, वहाँ से हम लोग लेके आए हैं कॉकटेल पैरट्स का पेयर। अभी मैं आपको वो पेयर दिखाता हूँ, यहाँ पे पड़ा जी हमारा वाइट कॉकटेल पैरट्स का पेयर। इनका दरवाज़ा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेयर चेक करें माशाल्लाह। ये पेयर हम लेके आए हैं वाइट कॉकटेल का, तो अभी मैंने ना आज अपने सारे केजेस की सफाई वगैरह की है। इस वजह से ना हमारी मुर्गियां वगैरह खुली फिर रही हैं बाहर। इधर किसी भी केज के अंदर कोई भी परिंदा नहीं है, सिर्फ तोते ही हैं हमारे इधर। तो अभी हमने ना अपने ये वाले वाइट कॉकटेल्स की भी सेटिंग करनी थी, इनको अच्छा केज देना था। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो तोते हैं ना, उन सबको हम इन केजेस में कर दें। ऊपर भी जो हमारे तोते हैं उन सबको नीचे ले आएँ, और जो मुर्गियाँ हैं ना उनको ऊपर ले जाएँ। अभी आपको बाहर मुर्गियों के पास लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मुर्गियाँ ना पौधों की सही तबाही उतार रही हैं। हर पौधे के ऊपर से ना वो पत्ते वगैरह उतार के खाई जा रही है। तो सबसे पहले आप यही पौधा देख लें, सारे पत्ते इसके उतारे हुए हैं उन्होंने। ये हमारे बतख के बच्चे और मुर्गी ये इधर घूम रहे हैं। मुर्गी क्यारी के अंदर है और बतख के बच्चे इधर घूम फिर रहे हैं। तो ये भी पौधे वगैरह सही तरह से ख़राब करते हैं। और इधर देख लें तो यहाँ पर हमारी जो मुर्गियाँ हैं और मोर, ये सारे इधर घूम फिर रहे हैं। इन्होंने क्यारियों के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है उसको भी फ्रोलते हैं, और इसके अंदर हम जो भी बीज वगैरह लगाते हैं ना, फूल लगाते हैं, वो सारे ये खा जाते हैं। नए पौधे उगने लगते हैं और ये उसी टाइम खा जाते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। इन सबको हम लोग करेंगे ऊपर वाले केजेस के अंदर शिफ्ट। लेकिन आज अभी हम लोग ना सिर्फ अपना कॉकटेल पैरट्स का जो पेयर है ना, उसकी अच्छे से सेटिंग करते हैं केज के अंदर। अभी ना मैं कॉकटेल पैरट्स का पेयर जो है ना, उसको मैंने इधर रख लिया केज इसका, इसको कर देते हैं ये सामने वाले केज के अंदर शिफ्ट। इधर हमारे प्लम हेड पैरट्स हैं, इधर हमारे रिंगनेक्स हैं। रिंगनेक आपको मैं दिखाता हूँ, इस केज के अंदर ये हमारे रिंगनेक पैरट्स हैं। सात वाले केज के अंदर ना, इधर हमारी ये लगी हुई है सारी बारीक जाली भी और मोटी भी, यहाँ पे ये दोनों जालियाँ लगी हुई हैं। तो इधर हम कर देते हैं अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को। इधर हमारे आगे रिंगनेक्स हैं, इसके साथ हमारे यहाँ पर जी प्लम हेड पैरट्स हैं, और यहाँ पर हमारा कॉकटेल का पेयर पड़ा हुआ है, और साथ यहाँ पर देखें मोरों के बच्चे भी इधर आए हुए हैं। तो कॉकटेल का जो पेयर है ना, इसको हम कर देते हैं ये वाले केज के अंदर शिफ्ट। आगे फिर लव बर्ड्स कर देंगे और डमे वगैरह कर देंगे। तो पैरट्स के लिए केज के अंदर स्टिक भी लगा ली है, और यहाँ पे हमारे कॉकटेल पैरट्स हैं। अभी इनको पकड़ना है और पकड़ के बस इस केज के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो जल्दी से अब इनको पकड़ते हैं और पकड़ के ना केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। अभी यहाँ पर एक कॉकटेल पैरट मैंने पकड़ लिया है, ये चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत पैरट है ये। अभी इसको ना केज के अंदर छोड़ते हैं जल्दी से। यहाँ पे ना मैंने इसको केज के अंदर छोड़ दिया है, चेक करें माशाल्लाह कैसे विस्लिंग कर रहा है ये। अभी ये ना ऊपर चला जाएगा केज के अंदर, ये देखिए यहाँ पे ये सिटी मार रहा है और इधर से ये भी मार रहा है, और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह स्टिक के ऊपर जाके भी बैठ गया है। अभी इस वाले कॉकटेल पैरट को भी पकड़ लेते हैं और दूसरे के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरा ना शोर कर रहा है। ये चेक करें माशाल्लाह कैसे आराम से ये स्टिक पे बैठ गया जाके। पर जी मैंने दूसरा तोता भी पकड़ लिया, एक हमने पहले छोड़ दिया था, अब इसको भी छोड़ देते हैं। केज का दरवाजा खोल लिया और ये चेक करें माशाल्लाह, ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। इस केज के अंदर मेल ऊपर लगा हुआ है और फीमेल ये नीचे है। कैसे अब ये विस्लिंग कर रहे हैं खुशी से माशाल्लाह। कॉकटेल पैरट्स को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो हम वो कोने वाले केज के अंदर ना अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के लिए मटकियाँ वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को भी नीचे ले आएंगे और उनको भी नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अभी मैंने अपने ऊपर वाले सेटअप पे आया हूँ, यहाँ से हम लोग उतारते हैं कुछ ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के लिए और उनको जाके ना नीचे लगाते हैं, और फिर अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को इधर से पकड़ेंगे और नीचे शिफ्ट कर देंगे। अभी आपको ना अपनी फिंचेस दिखाता हूँ। तो फिंचेस जो है ना, यहाँ पे जी हमारे फिंचेस हैं। फिंचेस तकरीबन आधी हमारे पास ना मर गई हैं, तो फिंचेस का मेरा दिल कर रहा है कि फिंचेस हम देखें ना कोई और पैरट्स ले आए। तो फिंचेस जो हैं इनको हम दे देंगे वापस, और इनकी जगह में ना हम लोग कोई और अच्छे से पैरट्स ले आएंगे और उनको नीचे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि फिंचेस मरी जा रही हैं और ना ही अंडे दे रही हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको ना हम लोग वापस कर देंगे। अभी अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के कुछ उतारते हैं और इनको नीचे लगाते हैं, और फिर अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स पकड़ेंगे और इनको भी नीचे शिफ्ट कर देंगे। अभी ना मैं अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के लिए कुजे ऊपर से लेके आया हूँ, तो इनको अभी ना बाद में लगाएंगे। अभी मेरा कज़न आया हुआ है, अभी मैं ऊपर से आया था तो ये आया हुआ है, तो अभी इसको तोते शोते दिखाते हैं। हाँ जी, कौन से तोते पसंद हैं आपको, कैसे लगे हमारे तोते आपको? इधर देखो, बताओ ना कौन से तोते अच्छे लगे।
ये वाले अच्छे लगे हैं। इधर कौन से हैं बताओ? ये कॉकटेल है, कॉकटेल पैरट्स हैं ये वाले। और वो वाला हमारा बोलने वाला तोता, वो आपने देखा है? आपको कौन सी चीज ज्यादा प्यारी लगी है? मोर नहीं देखी आपने अभी? लेने हैं बटेरे, पसंद है? दे दो। लेने हैं? चलो बटेरे आप ले लो। मोर दिखाऊं आपको? चलाओ मोर दिखाऊं आपको। वो वाले केज के अंदर है हमारे मोर। अभी इसको यार ना मोर शोर दिखाते हैं, इसको भी बड़ा शौक है, तो आज ना बटेरे हमने इसको दे दिए, बटेरे भी ये ले जाएगा। हाँ जी, मोरों के केज में जाना है आपने? चलाओ। अभी मैं ना इसको अपनी बिल्ली दिखा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्ली के साथ मस्ती कर रहे हो फिर? ऐसे मारेगी फिर ये, वो है देखा। जा रहे हो लेके? बटेर जो है ना वो मैंने अपने कजन को गिफ्ट कर दिए। अभी मैंने अपना रिंग नेक पैरेट बाहर निकाला हुआ है, और साथ ही हमारा जो दूसरा तोता है ना उसने शोर करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स का सेटअप ना अब कल ही बनाएंगे, क्योंकि कील वगैरह भी लेके आने हैं, तो वो सुबह ही ला के तो उनको बनाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलियन, अभी अपने कॉकटेल पैरेट्स को रिंग नेक पैरेट से मिलवाते हैं। और ये देखें, ये रिंग नेक पैरेट हमारा इधर मेरे पास आ गया। अब इसको अपने कॉकटेल पैरेट्स को मिलवाते हैं। तो इस केज के अंदर हमने अपने कॉकटेल पैरेट्स रखे हैं, और यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। और पीछे हमारे कॉकटेल पैरेट्स हैं, और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह हमारा तो मिठू बोलना शुरू हो गया। क्या मिठू? माशाल्लाह से इसकी टॉकिंग चेक करें, बड़ी प्यारी टॉकिंग करता है ये। क्या मिठू? कॉकटेल पैरेट जो है ना हमारे, ये तो इसको देख के बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं, और हमारा जो दूसरा रिंगनेक पैरेट है ना वो तो इसको देख के बिल्कुल सही मस्तियों में आता है। ये वैसे इन मस्तियों में नहीं आ रहे जैसे हमारा रिंगनेक पैरेट आता है। अभी रिंगनेक पैरेट के पास इसको ना दोबारा ले जाके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखे मेरे हाथ पे आ गया, और इधर से वो उड़ के वापस अपने केज पे चला गया। पर इसके थोड़े से पूरे ही हैं, कटिंग करने वाले हैं, तो पर भी इसके काटेंगे अभी। मिठू वापस आए इधर। इसको पता चल गया था कि मैं इसको दूसरे तोतों के पास लेके जाने लगा, इसीलिए ये उड़ गया था जल्दी से। और अभी ये देखना, मैं इसको इनके केज के पास लेके आया हूँ, और देखे ऊपर बैठ के कैसे देख रहे हैं, और गुस्से से बोलना शुरू हो गए हैं। ये देखो, इसने उड़ने की तैयारी करना शुरू कर दी, इस वजह से मैंने इसके ना पाँव पकड़ लिए। मेल पैरेट देखे नीचे आ गया हमारा रिंग नेक। और फीमेल अभी भी ऊपर ही बैठी हुई है। और ये देखो, अभी इसको भी मैंने जाली के आगे बिठा दिया। मियां मिठू, मियां मिठू, ये देखो कैसे गुस्से से ये आगे आ गया। वैसे अगर हम लोग इसके पास आए हो ना तो ये इस तरह करीब नहीं आता, और जैसे ही मैं ये वाला पैरेट लाता हूँ इसका काम है कि इसमें करीब आके बैठ जाना होता है। मियां मिठू, रिंगनेक पैरेट को मैंने ना दूसरे तोतों से साइड पे कर लिया। और इधर हमारी मुर्गियां देखें इधर आके खड़ी हुई हैं, और तोतों का जो बचा हुआ दाना नीचे गिरा हुआ है ना ये खा रही हैं आराम से। अब कल ही इनको ऊपर शिफ्ट करेंगे और बाकी पैरेट्स को भी नीचे लेके आएंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।